जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो CPWD का हिस्सा जरूर बने, यानी कि CPWD में जॉब करने का हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है। लेकिन आप CPWD में कैसे जा सकते हैं, कैसे आप इसमें जॉब पा सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही होना चाहिए। तो CPWD में जॉब पाने का बस एक ही रास्ता है, जिसका नाम है SSCJEE। तो हर साल प्रत्येक वर्ष जो है SSC जो है ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट करता है, हर साल करता है। ये कोविड में जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना हर साल यहां से वैकेंसी आती है। हर सिविल इंजीनियर का सपना पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल वैकेंसी निकालती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं SSCJEE की, यानी आप SSCJEE के थ्रू ही CPWD में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो ये एग्जाम डेफिनेटली टफ भी होता है, ठीक है ना। इसको आसान नहीं है क्रैक करना, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा झूठ भी फैलाया जाता है SSC के बारे में कि SSCJEE को 2 अथवा 3 अटेम्प्ट में ही निकाला जा सकता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि SSCJEE को एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक किया जा सकता है, अगर आपको सही कंसेप्ट मिल जाए, सही एग्जाम का गाइडेंस मिल जाए, सही स्टडी मटेरियल मिल जाए, और सही समय पर आप तैयारी स्टार्ट कर दें तब, और माइंड सेट भी बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तब आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। अभी उसके हम लोग बात करेंगे, पहले थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं SSCJEE एग्जामिनेशन के, इसके टफनेस के बारे में बात कर लेते हैं, और इसका वीक पॉइंट भी देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं। तो SSCJEE जो है, जो एग्जाम होता है, इसमें आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 100 टेक्निकल होते हैं और 100 आपके नॉन टेक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो बिल्कुल ये आसान दिखेगा, ये आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल आसान आपको दिखेगा, ठीक है। एक और पेपर होगा, जब ये क्वालिफाई कर लेंगे तब एक और एग्जाम होगा, उसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो कन्वेंशनल होते हैं, मतलब विस्तृत रहेंगे। जैसे आप बीटेक कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, सेमेस्टर में आप जैसे लिख रहे थे, उस तरीके से कॉपी को लिखना पड़ता है। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, बिना कंसेप्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए विद कंसेप्ट। ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव, इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है, तब भी बहुत आसानी के साथ इसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो पहला पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन दूसरा पेपर लोगों का नहीं निकलता, क्योंकि उन लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट आते होंगे, ठीक है। अब पूरा टॉपिक आता होगा, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, स्टील है, RCC, बिल्कुल कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तब आप जा करके इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट का कन्वेंशनल पेपर तैयार हो जाता है, वो आसानी के साथ जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसको तुरंत करेक्ट कर देगा, तुरंत। तो देखिए क्या ऑब्जेक्टिव, जितने भी JEE के अथवा AE के एग्जाम होंगे, हम दोनों की बात कर रहे हैं, बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है इसमें। तो अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं अथवा AE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, तो कोई भी JEE का एग्जाम आपसे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पेपर तभी क्लियर होगा जब आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जो JEE वाले जितने पेपर होते हैं, चाहे रेलवे की बात कर लें, कहीं की बात करेंगे, किसी स्टेट की बात करेंगे, सेंट्रल की बात करेंगे, हर जगह आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। AE वाले में भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ करके पेपर कोई नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिन स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते हैं, इस लेवल तक पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में, हम क्या करते हैं, ESC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सबको हम सॉल्व कराते हैं, वो भी कन्वेंशनल। ऑब्जेक्टिव तो अपने आप से कर लेते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो हम बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू क्या करते हैं, यहां तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, यहां तक पढ़ा देते हैं। बहुत सारा मटेरियल उनको हम लोग दे देते हैं, स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं, एग्जाम का गाइडेंस भी उनको देंगे। देखिए क्या क्या किया जाता है अपने यहां, गाइडेंस, एग्जाम का गाइडेंस देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल, और जो कोचिंग देते हैं, जो क्लासें चलती हैं ऑफलाइन भी अपना, ठीक है,
ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन ठीक है, दोनों में बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट के साथ बहुत सही तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। अगर जो भी सब्जेक्ट आपका क्लास में चल रहा होता है, आप चाहें तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप सॉल्व कर लेते हैं, क्लास में भी कराया जाता है और आप भी उसको कर सकते हैं घर पर भी, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसका फायदा मिलता है। तो आप देखिए क्या है, SSC JEE को निकालना बिल्कुल आसान है, आसान तो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं सबसे बड़ा सवाल आपका यही है, क्योंकि SSC JEE का एग्जाम तो पूरा टफ होता है, क्योंकि ये जब तैयार रहेगा कन्वेंशनल तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे, वरना आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्रैक करना है, CPWD में जाना है, तो आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर से क्या है, आपका गाइडेंस बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी बहुत सारा समय है, बहुत अच्छा समय है तैयारी करने का, क्योंकि नवंबर में आपका वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और मार्च में आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, मतलब पेपर वन है, तो बीच में बहुत सारा समय है, बहुत आसानी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी करने का बिल्कुल ये सही समय है, बिल्कुल सही समय है। यहां पर आपका क्या है, समय भी मिल गया है आपको, यहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। माइंडसेट एकदम बना लीजिए कि हमको SSC JEE निकालना है, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम गाइडेंस की बात होगी, स्टडी मटेरियल की बात होगी, कंसेप्ट की बात होगी, क्लासेस की बात होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे, बस आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अगर रोज आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो लगातार आप 6 घंटे एग्जाम तक पढ़िए, सिलेक्शन तक पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई, तो देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हर साल जो कट ऑफ है, हर साल की अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए प्री और मेंस, प्री और मेंस दोनों मिलाकर के ही आपका कट ऑफ आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 60%, अगर आप 60% मार्क्स ला देते हैं, मतलब टोटल 500 होता है, ठीक है ना, इसका 60% भी अगर आप ला देते हैं तो आप इस एग्जाम को क्या कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, आसानी के साथ आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन देखिए आपको CPWD नहीं मिलेगा, CPWD जो है 60% पर नहीं मिलेगा, अन्य कोई डिपार्टमेंट आपको वहां पर मिल जाएगा, अन्य डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, अगर CPWD आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, 60% नहीं 70%, मतलब 65 से लेकर के 70% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 500 में से आपको क्या करना है, आपको लाना पड़ेगा 325 से लेकर के 350 मार्क्स, इतना ला देंगे आसानी के साथ आपको CPWD मिल जाएगा। देखिए ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा था, कन्वेंशनल पेपर की बात होती है इसमें, कन्वेंशनल में बहुत ज्यादा अगर न्यूमेरिकल होगा तो ये आपको CPWD दिला देगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे थ्योरेटिकल अगर आ गया कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल में अगर थ्योरी आ गया, डिप्लोमा लेवल का आ गया, तो हर कोई लिख करके आएगा, ज्यादा नंबर पाएंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तब आपको चाहिए 350 से लेकर के 370 के बीच में, इसके बीच में जाएंगे तब CPWD मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा पेपर बनता है तो 325 से लेकर के 350, इसको आसानी से आप ला सकते हैं, कोई ये ज्यादा नहीं है, आसानी के साथ लाया जा सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे RCC आपको मिनिमम 30 नंबर देकर के जाएगा, सोम आपको देकर के जाएगा 30 से 45 नंबर, और जो सॉयल मैकेनिक्स होता है वो 90 नंबर आता है, 80 से 90 मार्क्स का आएगा, फिर ऐसे सर्वे रहेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट है, छोटे छोटे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अब बिल्कुल में क्वेश्चन पता रहते हैं। तो जो सेकंड पेपर होता है 300 वाला, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 300 में से इसी साल अपने यहां की स्टूडेंट जो है 300 में से 235 मार्क्स इसी बार लाया था अपने यहाँ का स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक लोग ला देते हैं, तो अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो 300 में से आप मिनिमम 200 तो ला ही देंगे, अगर लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, बाकी हम लोग जब बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो ये आपको 225 से लेकर के 250 के बीच में मेंस में आपका आ सकता है 300 में से, बहुत आसानी के साथ। तो प्री में अगर 130 आप ला देते हैं, लेकिन जब तैयारी करेंगे तो 130 नहीं, हमारी गारंटी है 150 आ जाएगा आपका, 140 से लेकर के 150 आ जाएगा, अगर बढ़िया से तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा बताएं, अगर आप वैसा करते हैं तो प्री में ही 140 आ जाएगा, दूसरे में आपका 220, तो ये पहुंच जाएगा बिल्कुल आपका 360-365 यहां तक पहुंचेगा, आसानी के साथ आप CPWD में जा सकते हैं, ठीक है। तो SSC JEE को क्रैक करने के लिए देखिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपका क्या है सही माइंड सेट होना चाहिए,
माइंड सेट आपका सही होना चाहिए कि बिल्कुल हमें एसएससी जेई निकालना है, यही हमें काम करना है, यही हमारा काम है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी हम दूसरा काम करेंगे, तभी हम कहीं घूमने जाएंगे, तभी हम ये काम करेंगे, तभी हम वो काम करेंगे। पहले ये सेट कर लीजिए। तो ये आपका टारगेट पहले सेट करना है, माइंड सेट। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी स्टडी में आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, मतलब डेली जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए, जितनी जरूरत है उतना अपना एक टारगेट बनाइए और लगातार पढ़िए। कंसिस्टेंसी आपको दिखना चाहिए। उसके बाद क्या है, सही गाइडेंस। गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस, सही गाइडेंस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सफलता का रास्ता जो है बिल्कुल सीधा है और आपको कोई ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे कोई आपको घुमा रहा है तो आप घूमते ही रह जाएंगे 4 से 5 साल, 4 से 5 साल ऐसे ही घूमेंगे तभी एसएससी जेई नहीं निकलता है। जो लोग ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहां पर ऐसे गोल गोल बस घुमाया जा रहा है, कुछ चीजों को बस पढ़ा रहे हैं, बस कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आता है उनसे आपको वंचित कर दें। आसान आसान चीजें आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको बस मजा मिले, केवल आपको मजा मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर कंसेप्ट की जरूरत है उसको लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और वही चीजें पेपर में देखते हैं, तो आप वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर आप घूमते ही रह जाएंगे और 2 से 3 साल आपको जॉब पाने में लग जाएगा। बहुत लोग क्विट भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो ये रास्ता आपका सफलता का है, बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट में ही आप इसको क्या करेंगे, क्रैक कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में। तो आपका गाइडेंस बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, गाइडेंस है, उसके बाद अभी वही बात कर रहे थे कंसेप्ट की, कंसेप्ट बिल्टअप होना चाहिए, कंसेप्ट, कंसेप्ट। और ये होगा क्लास से, कोई एक आपको बढ़िया टीचर चाहिए, ठीक है, बढ़िया टीचर चाहिए, और ऊपर से आपका क्या है, क्वालिटी कंटेंट हो। कंटेंट जो दे रहे हैं बिल्कुल क्वालिटी वाला है, मतलब पेपर को देख करके। तो आप हमारा कॉपी ले करके देख लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां पर देखेंगे कोई भी पेपर मिलाइए हमारे कॉपी से वो क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 100% गारंटी है। 99% जो है अपने कॉपी से ही, आपके कॉपी से ही पेपर में आएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, अथवा मेंस वाले, मेंस वाले में डाटा थोड़ा सा बदलेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में वो भी नहीं आपको बदलता दिखेगा, बिल्कुल थ्योरी वाले सारे दिख जाएंगे। न्यूमेरिकल में फार्मूले में जब डाटा रखने जाएंगे तब थोड़ा बहुत इधर उधर आपको दिख सकता है डाटा, एग्जैक्ट जहां 2 लिखा होगा वहां, जैसे 4 किलो न्यूटन फोर्स एग्जाम में दिया तो अपने क्लास में जो है 3 न्यूटन 4 न्यूटन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वही आपको अंतर दिखेगा। तो क्लास वाली चीजें हैं, तो क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा। तो कंसेप्ट, कंसेप्ट बिल्टअप का हमारा काम है, कंसेप्ट आपको देंगे, क्वालिटी मिलेगी आपको स्टडी मटेरियल में, क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, और आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। कंसेप्ट आपको तभी मिलेगा जब क्वालिटी रहेगी कंटेंट में, ठीक है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा जाएगा, नोट्स जो है आपको बिल्कुल आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, लेकिन लाइव क्लास है, सीधा हिंदी में लिखा दिया जाएगा और इंग्लिश में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आपको हम देने वाले हैं, तो स्टडी मटेरियल हमसे जुड़ना है। राइजिंग सेंटर जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, राइजिंग सेंटर, आप वहां पर सर्च कर दीजिए टेलीग्राम पर, वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स आपको अवेलेबल है, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये चीज है, उसके बाद क्या है, लगातार टेस्ट सीरीज आपको देना है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज देना है। तो टेस्ट जब देंगे तब आपको पता चलेगा आप कहां पर लाइक कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। तो हम लगातार आपका टेस्ट भी लेते रहते हैं, टेस्ट भी लेते रहते हैं, तो टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट देते हैं, प्रैक्टिस सेट मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे उसके और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, तो दोनों आप साथ में तैयारी करते हुए चलेंगे और यहाँ पर वीकली आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं, अगर आप ऐसे इस तरीके से तैयारी करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं कि माइंड सेट बनाइए, कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, ठीक है, कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, कंसेप्ट लीजिए और क्वालिटी कंटेंट के साथ लीजिए, घूमने वाला नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस व्यक्ति को पता हो कि एसएससी जेई कैसे निकाला जा सकता है उसी से आप पढ़िए। तो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे भी एसएससी जेई में निकाले हैं उनको हम एक ही बार पढ़ाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लोग अभी यहाँ पर क्रैक किए हुए हैं, ठीक है ना। अभी अपने यहाँ जो फर्स्ट रैंक भी आ चुका है, सीपीडब्ल्यूडी में बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, हम इन सबको पढ़ा चुके हैं, तो हमको पता है कि किस तरीके से एसएससी जेई को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो 22 मार्च 2022 से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। ऑफलाइन में आकर के आप पढ़ सकते हैं इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज आइए सलोरी में, वहां पर हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर लिखिए राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर,
सिविल जेई मास्टर, वहां से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो 22 मार्च को हमारा लॉन्च हो रहा है, 22 मार्च को जो नया बैच आ रहा है, उसका नाम है, उसका नाम है आपका एसएससी जेई सुपर प्रीमियम बैच। सुपर प्रीमियम बैच है, इसका फीस जो है आपका देखिए केवल टेक्निकल का है, केवल टेक्निकल का जो है फीस वो 7,999 है, लेकिन इस बैच में आपको टेक्निकल के साथ जो नॉन टेक है वो फ्री दिया जा रहा है, टेक्निकल के साथ नॉन टेक फ्री दिया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए होली से पहले, अगर होली से पहले उसमें आप रजिस्टर होते हैं, इनरोल होते हैं, तो इतना फीस नहीं देना पड़ेगा, 7,999 नहीं देना पड़ेगा आपको, बस देना पड़ेगा कितना, 2,499। इतने में ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और सही समय है आपके पास, बिल्कुल सही समय है आपके पास, टाइम है, बहुत आसानी के साथ धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बहुत आसानी के साथ आपकी तैयारी जनवरी तक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में आपका पेपर है तो जनवरी 2023 तक आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, 72 नंबर लिख देते हैं, देखिए नंबर है 7275000900, ठीक है, इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो इतना फीस आपको नहीं देना है, होली से पहले इनरोल हो जाइए, ठीक है, तो आपको 2,499 ही देना पड़ेगा। और ये जो डिस्काउंट चल रहा है वो पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, तो अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें भर चुकी हैं, कुछ ही सीट बाकी हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, वरना फीस आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें टेक और नॉन टेक दोनों मिलेगा और पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। हैप्पी होली, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमेशा पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।